बहु चर्चित श्रद्धा मर्डर केस दोष मानिला पिशाच प्रेमिक श्रद्धा मर्डर केस रे सांघातिक स्वीकारोक्ति अफताब कहिला रागरे मारिदेली सेपटे गोटे परे गोटे सांघातिक कथा सामना को आसुची आमिष खाइबा को बाध्य करुथिला अफताब बाहर रागी के आसी घरे करुथिला अत्याचार सेपटे नार्को टेस्ट पूर्वर हेब पॉलीग्राफ टेस्ट हथियार पकाइथिबा स्थान कहिला अफताब मैदान कड़ी पोखरी सुखाइबा को योजना अभियुक्त अफताब रिमांड अवधि पुणी वृद्धि पाई पुलिस आवेदन कर साकेत कोर्ट आज आउ चार दिन रिमांड मंजूर करते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया आज अफताब को हाजर करा बेले कोर्ट पुलिस कस्टडी आउ चार दिन वृद्धि करते आज अदालत ने श्रद्धा को हत्या कर मानी अफताब जहाँ भी किसी है सब क्षणिक उत्तेजनार वशवर्ती ही हो कोर्ट का आगे अफताब कही ए बाबद अधिक सूचना पाई आम सहित सुप्रीम कोर्ट आईनजीवी सार्थक नायक आम सहित जोड़े रही सर आपण को आलोचना को स्वागत करुचे ये जघन्य अपराध को नहीं आईनगत दिग कौन रही प्रथम जानक देखो प्रथम कथा है गोटे मर्डर केस कैन बी प्रूव्ड थ्रू टू वेज गोटे डायरेक्ट एविडेंस गोटे सरकमस्टेंशियल एविडेंस जो केस रे देयर इज नो डायरेक्ट एविडेंस इन दैट केस सरकमस्टेंशियल एविडेंस विल कम इनटू प्ले सर्कमस्टेंशियल एविडेंस रो अर्थ है देयर हैज टू बी ए चेन ऑफ एविडेंस आ से चेन टा एते कंप्लीट थिबो दे देयर शुड नॉट बी एनी रीजनेबल ग्राउंड फॉर कंक्लूजन टू पॉइंट फिंगर टुवर्ड्स एनी अदर पर्सन अदर देन द अक्यूज्ड ता माने से जो चेन टा थिबो से चेन टा एते मजबूत थिबो आफ्ताब छडा ओ कोनोसी लोक दोषी नुहे बोली कोर्ट रे एटा सब्यस्त हबो तो हम देखियो पडियो जे ए केस से चेन टा कंप्लीट की नाही एविडेंस कोन अछि एविडेंस अछि आफ्ताब कर बापा एवं ताकर सांगगर स्टेटमेंट गोटे एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ हाई वाटर बिल तृतीय है श्रद्धा इंस्टाग्राम पोस्ट रे पोस्टिंग करते आफ्ताब तक मृत्यु पर चतुर्थ कथा है श्रद्धा अकाउंट रु किसी पैसा ट्रांसफर होता आफ्ताब को अकाउंट को सी मलापर पंचम एविडेन्सटा हूँ नार्को एनालिसिस टेस्ट एवं सी जो पुलिस आगे मानी पुलिस आगे जो मानी तार एविडेंस वैल्यू किसी नहीं बिकॉज़ स्टेटमेंट बिफोर पुलिस इज नॉट एडमिसेबल एज अ पीस ऑफ एविडेंस एज पर सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 26 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट को जी स्टेटमेंट बिफोर पुलिस व्हाइल इज इन कस्टडी इज नॉट एडमिसेबल एज अ पीस ऑफ एविडेंस 161 स्टेटमेंट रो कोनोसी मूल्य नहीं सेटा ओनली फॉर कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉरोबोरेशन पुलिस पाखरे जेहेतु जा मानिचती तार एविडेंस रे वैल्यू नहीं किंतु पुलिस को यदि से लीड करकी से मर्डर वेपन टा जो डिस्कवर हेची पुलिस कहउचती तार एविडेंस रे वैल्यू अछि व्हिच इज रिटन द सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट ता अर्थ होची आफ्ताब जदि कहिले जे मु मारिची एवं पुलिस को लीड करले मर्डर वेपन टा डिस्कवर करले तार एविडेंस रे वैल्यू अछि वर्तमान पुलिस वाला जो कहउचती जो मर्डर वेपन टा डिस्कवर हेची ता धेर जो रक्त लागिची सेटा डीएनए टेस्ट जो जणा पडिबो जे श्रद्धाकर रक्त सैंपल संगे सेटा मैच करची दैट इज अ स्ट्रांग पीस ऑफ एविडेंस से एविडेंस एवं मोटिव दि वर्ष होगा सी सागर दुर्व्यवहार करते मार पिटापिटी करते श्रद्धा घर लोक मैनेजर को जन डक्टर मारिकी मुह फुह फटे दी तीन वर्ष होगा गोटे अब्यूसिव रिलेशनशिप रोते जो मर्डर टी गोटे प्री प्लान मैनर में गोटे कन्स्पिरेसी करी जाणीशु कि सेमती जगार रही जोड़ा जंगल भितर जो थे बडी को डिस्पोज अफ करेंगे मरीगला देर इज नो रिमोर्स झील मैंने आसुले खावा को मगुले नॉर्मल लाइफ लीड करते राति में जाकि डेड बॉडी को जो पीस पीस खंड खंड करते डिस्पोज अफ करते तेणु जदि मोटिव प्रमाण हो पार 27 रे जो लीडिंग टू डिस्कवर से प्रमाण हो पार बाकी जो कोराबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस ता छड़ा जदि लास्ट सीन थ्योरी और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन पुलिस जोगाड़ करेंगे तो अर्थ हो श्रद्धा और आफ्ताब जो लास्ट थर जो मैंने देखी थे दैट टाइम पीरियड शुड बी प्रॉक्सिमेट एनफ जो मैंने देखी थे पुलिस विटनेस हिसाब से ग्रहण करवा उचित तर्जमा करवा उचित पचरा उचरा करवा उचित द्वितीय कथा है आफ्ताब जिते मर्डर कर सारापर 15 दिन नॉर्मल रहिले निश्चित भाव में दैट इज अ पॉसिबिलिटी से क्या सागर कथा हे अबाउट द कमिशन ऑफ द क्राइम व्हिच इज नोन एज एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन तेणु पुलिस वाला दायित्व हूँ जदि यही सब एविडेन्स गुड़िक कलेक्शन करके गोटे वाटर टाइट केस करेंगे तो भावुँ निश्चित भाव में दंडादेश दि जापर
ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସମିଟ୍ ଅପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରଭାବ ଅଛି, କ୍ରୋଧ ଭବତି ସମ୍ମୋହ, ସମ୍ମୋହ ସ୍ମୃତି ବ୍ରହ୍ମା, ସ୍ମୃତି ବ୍ରହ୍ମା ବୁଦ୍ଧିମ୍ ନାଶ, ବୁଦ୍ଧିମ୍ ନାଶ ପ୍ରଣୟିଷ୍ୟତି। ଯୋଉ ମଣିଷଟି ଏହିପରି ନୃଶଂସ, ବ୍ରୁଟାଲ, ଡାଷ୍ଟାଡିକ, ଡାଏବୋଲିକ, ସେମି ବାର୍ବରିକ, ଇନହ୍ୟୁମାନ ମ୍ୟାନରରେ କ୍ରାଇମ୍ଟି କମିଟ୍ କରେ, ସେ ତାର ନେଚର ଆଉ କନ୍ସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ସେ ଜାଣିନି ସେ କ'ଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସାଇଟିର ଏବଂ କ୍ରିମିନାଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଏବଂ ଜୁଡିସିଆରିର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ସେ ଜାଣୁ ଯେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ତାର କନ୍ସିକ୍ୱେନ୍ସ କ'ଣ, ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସୋସାଇଟିରେ କ'ଣ, ନହେଲେ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଉଠିଯିବ। ତିନିଟି ଜିନିଷ ଦରକାର। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଦ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହାଜ୍ ଟୁ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ଇନ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟାନର। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଦ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, ନଟ୍ ଦ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହ୍ୱିଚ୍ ମ୍ୟାଟର୍ସ। ଆଣ୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଗୋଟେ ୱାଟର୍ ଟାଇଟ୍ କେସ୍ କରିକି ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ୍ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇପାରିବ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଜଷ୍ଟିସ୍ ନିଡ୍ସ ଟୁ ବି ଡେଲିଭର୍ଡ ୱିଦିନ୍ ଏ ଷ୍ଟିପୁଲେଟେଡ୍ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍। ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଯେ ଯେଉଁଟା ଜୟଲଳିତା କେସ୍ ହେଇଥିଲା ବା ଲାଲୁ ୟାଦବ କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଚାଲିବ ଟ୍ରାଏଲ, 50-60 ୱିଟନେସ୍ ଏକ୍ସାମିନ୍ ହେବେ, ତାପରେ କିଛି ଲୋକ କ୍ରସ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ, କିଛି ୱିଟନେସ୍ ହଷ୍ଟାଇଲ୍ ହେଇଯିବେ, ତାପରେ ଆକ୍ୟୁଟାଲ ହେଇଯିବ, ସେଟା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବଂ ଏକ୍ସେମ୍ପ୍ଲାରି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବା ଉଚିତ, ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ନୃଶଂସ ତା ସହିତ ମର୍ଡରଟି କମିଟ୍ ହେଇଛି, ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ମୁଁ ଭାବୁନି ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ଏ କେସ୍ରେ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ହେବ କି ନାହିଁ, ଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ବିରଳରୁ ଅତି ବିରଳତମ କ୍ରାଇମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ କି ସାର୍? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ତାର ଇଂଲିଶଟା ହେଉଛି ରେୟାରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ରେୟାର କ୍ରାଇମ୍। ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ କହୁଛି ଆଫ୍ଟର ବାଲାନ୍ସିଂ ଆଗ୍ରାଭେଟିଂ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଏବଂ ମିଟିଗେଟିଂ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍, ଯଦି ମର୍ଡରଟି କମିଟ୍ ହେଇଥିବ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ବ୍ରୁଟାଲ, ଇନହ୍ୟୁମେନ୍, ଡାଷ୍ଟ୍ରାଡିକ୍, ଡାଏବୋଲିକ୍, ସେମି ବାର୍ବରିକ, ରେୟାରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ରେୟାର ମ୍ୟାନର, ସକିଂ ଦ କଲେକ୍ଟିଭ କନ୍ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସୋସାଇଟି, ମାନେ ସୋସାଇଟିର ଆତ୍ମାଟାକୁ ଇଏ ଯେମିତି ଆଘାତ ଦେଲା ଭଳି ଏଇଟା ରେୟାରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ରେୟାର କ୍ରାଇମ୍, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦିସ୍ କେସ୍ ଫଲ୍ସ ୱିଦିନ୍ ଦ ପର୍ଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ରେୟାରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ରେୟାର କେସ୍। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ପୋଲିସ ଅଫିସର ମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ୍ କେସ୍ଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି କରିକି କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଟ୍ରାଏଲ୍ କୋର୍ଟ ପିପି ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଦରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ।